जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे अमेरिका और इंडिया की नेवी ने मिलकर चाइना को हिंद महासागर में पूरी तरह से घेर लिया है। अब चाइना के सामने सांप और छछुंदर का हाल है, और हमारे CDS प्रमुख बिपिन रावत ने ऐसा क्या काम किया है जो नेवी को भी गलवान तक पहुंचा दिया। नेवी के विमानों को उन्होंने गलवान घाटी तक पहुंचा दिया। चाइना इसको सोच के कंफ्यूजन में है। देखिए, हिंद महासागर में भारत को डराने के लिए चाइना ने क्या किया, जिबूती, ये एक छोटा सा देश है जिबूती, यहाँ चाइना ने अपना सैन्य अड्डा ले रखा है। जिबूती से इसने 3 लड़ाकू अपने जंगी जहाजों को भेजा। ये 3 जंगी जहाजों को इसने कहाँ से भेज दिया, जिबूती से। और हिंद महासागर में उसने 3 जंगी जहाज को इधर से तैनात रखा और 3 तो जिबूती से भेज दिया। और इंडोनेशिया के पास से, यहाँ से सुंडा होते हुए उसने एक और जंगी जहाज को इस रास्ते से भेज दिया। चाइना को लगा कि उसके 4-5 जंगी जहाजों से भारतीय नौसेना डर जाएगी, क्योंकि भारत का जो नेवी है उसके लिए ये बेस करीब है। भारतीय नेवी ने इनको इधर से दौड़ा दिया, इनको इधर दौड़ा दिया, इनको इधर दौड़ाया। ये भाग गए सोच रहे अपने चाइना में, ये कहां भागे हैं सब भी पता ही नहीं चला। ये तीनों जहां जिबूती के बेस से आए थे तो वहां भाग गए, पगला है उगला है का दौड़ा रहा है अंधाधुन ऐसे ही, अब पता नहीं कौन जहाज से दौड़ा रहा है कि रडार में दिखिए नहीं रहा, पास आता है तब दिखता है। तो चाइनी नेवी यहां से भाग गई। लेकिन भारत ने यहां पर क्या किया, भारत ने चाइना को यहां से भगाने का परमानेंट सोल्यूशन सोचा, और इसमें मदद कर दिया हमारा अमेरिका ने। अमेरिका और इंडिया मिलके चाइना की सबसे कमजोर नस पकड़ लिया। देखिए, चाइना के पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो पेट्रोलियम डीजल इस सब की जरूरत है, वो आता है ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास से। अब ये मिडिल ईस्ट की कंट्री से जब लाएंगे तो इसी रास्ते इनका शिपिंग रूट जाता है, यहाँ से जाता है। अब ये चाइनी जो टैंकर है, बड़े बड़े टैंकर जो जहाज में पेट्रोल लेके जाते हैं, अब भारत ने और अमेरिका ने मिलकर इन लोगों को सोचा है कि अगर चाइना जहाँ तामझाम करता है तो इनके टैंकर का हाल ऐसा कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा बीच में। अब चाइना को लगता है कि भैया हम हिंद महासागर में मेरा है कौन, और यहाँ भारत अपना अंगद की तरह पैर जमा के बैठा हुआ है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कोई नहीं ऐंठ सकता है भारत के आगे, क्योंकि यहीं पे पास में ही है इसका। अब कहाँ गया उनकी जो धमकी दी जाती थी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स श्रीलंका में, मालदीप में, कहाँ गया, सब लोग तो यहाँ से भाग गए लोग। चाइना को अपने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए हम लोग से ऐंठना नहीं पड़ेगा, बस हम लोग को डट के रहना है। अमेरिका को ये बात पता है कि वो हार्मुज जल संधि को हो कहीं यहीं से उसको पूरी पेट्रोलियम की आयात मिलती है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, ईरान, इराक, कहीं से भी लेता है यहीं से। तो देखिए, अमेरिका कितना खतरनाक स्ट्रेटजी बिछाया है। उसने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ ओमान की खाड़ी और ये फारस की खाड़ी में लगा रखा है। यहाँ से वो ईरान पर भी दबाव बनाए हुए है और चाइना पर भी। तो चाइना के लिए ये एरिया एक हेडक बन चुका है कि भैया उनकी पेट्रोलियम यहीं से आते हैं, और यहाँ इंडिया ने अपना उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ लगा रखा है। और हमको लगाने की क्या, तो हम तो यहां रखते ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहां से कूदेगा गलवान में, कश्मीर में, पीओके में, तो इधर से थूर देंगे लोग नेवी से। लोग सोच रहे तेरा कराची चल गया। 1971 याद करना, जहाज छोड़ के भाग गए थे तुम लोग। 1971 वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये यहां से हम लोग दोनों को टैकल कर लेते हैं। अब बात चाइना यहाँ आके फंसता है मलक्का स्ट्रेट में, एकदम पतला सा रास्ता, और यहीं से इसकी पूरी शिपिंग जाती है यहाँ पर। अमेरिका ने क्या किया, देखिए, एक अपना विमान वाहक पोत और पूरा युद्धक जहाजों का ग्रुप यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में रख दिया। चाइना के लिए यहाँ सरदर्द, और एक ठोक उतार दिया यहाँ अंडमान सागर के पास। तो ये अंडमान निकोबार में एक उतर गया। अब यहाँ चाइना फंसते जा रहा है कि जो पूर्वी चीन सागर है, यहाँ इससे ताइवान एकदम अखड़ गया है, और यहाँ से जापान और दक्षिणी कोरिया, ये यहाँ फंसा के रख दिए सर। यहाँ अमेरिका लेके आ गया है, और यहाँ यूएसए कूद गया है, और यूएसए है ये तो इंडिया के, ये तो हमारा अपना अधिकार है भाई, बंगाल की खाड़ी में इंडिया से कौन ऐंठ सकता है यहाँ पे आके। तो अब चाइना पगला गया है कि हम एक तो गलवान में क्या घुसे, ये सब तो पूरा का पूरा हमको नंगा कर देगा सर। अमेरिकन नेवी इंडियन नेवी के साथ मिलकर यहाँ पासिंग एक्सरसाइज कर रही है, युद्धाभ्यास कर रही है, पासेक्स युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका दोनों की ओर से बड़ी बड़ी नौसेना के शिप भाग ले रहे हैं, और इसमें जापान को भी बुलाया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जाएगा। ये जो चारों का ग्रुप है, क्वाड ग्रुप, वो भी इसमें भाग लेंगे। फिलहाल अभी ये दोनों भाग ले रहे हैं। अमेरिका का जो बहुत ही विशाल विमान वाहक पोत जो निमिज है, वो बंगाल की खाड़ी में घुस चुका है, और यहाँ पर वो मलक्का स्ट्रेट पे चाइना की गर्दन दबाने के लिए रेडी है। ये चलता फिरता समझ जाइए तो एकदम ये यमलोक है, इसको कहिए तो। इस विमान वाहक पोत की क्षमता 90 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। आप इसमें देखिए कितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट रखे गए हैं। इसमें से सुपर हॉर्नेट जो है वो मेन युद्धक जहाज है इनका, सुपर हॉर्नेट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए है ये क्राउलर जहाजे हैं सब, और साथ ही इसमें
एवॉक्स जहाजों को भी रखा गया है जो उड़ान भरने के बाद दूर समुद्र में निगरानी भी कर सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को देखेंगे तो दो हिस्सा दिखेगा, एक ये वाला हिस्सा है, ये वाला एक्चुअली एरिया ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया होता है ये टेक ऑफ और ये लैंडिंग के लिए होता है, ये हैंगर वाला एरिया हो जाते हैं सब यहाँ पर। इन एयरक्राफ्ट कैरियर में अत्यधिक टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो अरेस्टेड लैंडिंग करा लेते हैं और कैटापुल जिस तरह से गुलेल से हम लोग किसी चीज को फेंक देते हैं वैसे ही ये छोटे से रनवे को फंसा कर उनके चक्के को गुलेल की तरफ फेंक देता है ताकि इनको ज्यादा रनवे की जरूरत ना पड़े। ये भारी भरकम विमान भाग बहुत ऐसे ऐसे दो ठो तो दक्षिणी चीन सागर में लगे हैं, एक हार्मुज जल संधि के पास ईरान के पास लगा है और एक बंगाल की खाड़ी में है। चाइना के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द हो गया। ये जो निमित्ज क्लास का विमान वाहक पोत है ये अकेले नहीं चलता है, ये पूरे बैटल ग्रुप के साथ चलता है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स वगैरह सब चलते हैं। जो डिस्ट्रॉयर की इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसके साथ चलने वाले डिस्ट्रॉयर हैं ये वर्टिकल मिसाइल लैंडिंग करते हैं और 122-23 मिसाइल एक साथ वर्टिकल लॉन्चिंग कर देते हैं। जैसे उनका रडार पकड़ेगा कि दुश्मन का कोई मिसाइल या कोई जहाज इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है वो तुरंत मिसाइल से उसको मार के गिरा देंगे। भारतीय नौसेना का विध्वंसक जहाज INS राणा जो राजपूत श्रेणी का था, INS राजपूत की कहानी पाकिस्तान कभी भूल ही नहीं सकता है 1971 में जो धोया था उनके PNS गाजी को, तो ये INS राणा भी वहां पहुंच गया उसकी युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए। और हमारा INS कोमोर्ता, INS सहयाद्री, INS शिवालिक ये भीषण जहाज पहुंच गए। ये पनडुब्बी को मार देता है, ये फ्रिगेट है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि रडार में ये आता ही नहीं है तो करीब आने लगता है तब दिखता है ये रडार में। तो ये विध्वंसक जहाज चाइना को यही सब दौड़ा दौड़ा भगाए थे सब। उसके बाद अमेरिका से ये लोग साथ में जाके युद्ध अभ्यास भी किए और लेमुआ समझौता के तहत हमारे सैन्य अड्डा को अमेरिका यूज कर सकता है और अमेरिका के सैन्य अड्डा को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए चाइना के लिए सरदर्द है कि जो अंडमान निकोबार में हमारा सैन्य अड्डा है वहां अमेरिका यूज कर सकता है और जो जापान में अमेरिका के सैन्य अड्डा है, जो उत्तरी दक्षिणी कोरिया में है, जो ताइवान से जो उसकी समझौता चल रहा है तो हम लोग भी उसे यूज कर सकते हैं। चाइना के लिए एक और सरदर्द की बात क्या है कि भारतीय पनडुब्बियां कहां है पता ही नहीं है, वो हिंद महासागर है कि दक्षिणी चीन सागर में घुस गई है किसी को नहीं पता। और भारत ने P-8I विमान जो है इसकी संख्या बोइंग कंपनी से तो मंगा ही ली है, ये हवा में उड़ते उड़ते ये टॉरपीडो गिरा देता है समुंदर में और वो जाके इस पनडुब्बियों को मार के गिरा देती हैं। अब तो चाइना की पनडुब्बियां यहां घुसेंगी तो हमारा जो 13-13 ये जहाज है P-8I पोसाइडन ड्रोन जो जहाज है ये निगरानी कर रहा है और साथ ही भारत ने कह दिया है बोइंग कि हमको 6 और चाहिए। और बोइंग तो हद है कह रहा है कि ठीक है जो 6 और देंगे ना हम, ये हम 2014 में जो हम लोग में डील हुआ था वो 2014 के रेट पे दे देंगे। इसका मतलब देखिए हम लोग को डिप्लोमेटिक भी फायदा हो रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि भैया तुम लो और चाइना को बढ़िया से धो। लद्दाख के एरिया में चाइना उल्टा फंसते दिख रहा है, ये लद्दाख का एरिया है, यहां पर नेवी का जहाज चलाया, सोचिए हमारी नौसेना का जहाज अरब सागर में से उड़ के MiG-29K, ये MiG-29 जो जहाज है वो तो हमारी एयरफोर्स का MiG-29K है जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो पहाड़ी एरिया है ये हाइट में होने की वजह से जहाजों की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है घट जाती है। तो इसमें क्या होता है या तो आप फ्यूल को कम कर दीजिए या फिर आप वेपन को कम कर दीजिए, लेकिन MiG-29 में ऐसी खासियत है कि ये जो होता है ना फ्यूल कम करता है ना हथियार कम करता है, पूरे फुल लोड के साथ यहां से उड़ान भर सकता है और ये क्षमता चाइना के पास नहीं है। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया और ये बहुत ही छोटे रनवे पर, क्योंकि पहाड़ों के बीच रनवे कम होता है और वहां पर थोड़ा सा में रनवे पर उड़ के ये वर्टिकल लैंडिंग करके धावा बोल सकता है। चाइना जो है गलवान वाले एरिया में पहाड़ों के बीच में छुप सकता है, वहाँ पर जो उस जो पैंगसो लेक है उसमें भी उसकी कुछ गतिविधियाँ हो सकती है। तो इसको देखते हुए नेवी ने अपना जो P-8I विमान है उसको लद्दाख में भेज दिया है। अब चाइना परेशान है कि यार नेवी पहाड़ पे कैसे चली आई, ये इतिहास में ही पहली बार हो रहा है कि नेवी जो समुंदर के लड़ने के लिए वो पहाड़ में लड़ने चली आई। उस पे से रुद्रा हेलीकॉप्टर को लगा दिया गया, अपाची हेलीकॉप्टर ही तो चलती फिरती तोपखाना है, ये पूरा मारता है, इसके हार्ड पॉइंट इतने ज्यादा है, पूरा ये लड़ाकू जहाज की तरह करतब दिखाता है, इसको लगा दिया गया वहां पर। और हद तो तब हुई जाए जब चाइना ने झूठ फैलाया कि उसने एक ऐसी वर्दी बना ली है जिसको पहनने के बाद कंबल है, जिस तरह हैरी पॉटर में ओढ़ लेता है तो दिखता नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं। ये झूठ बात है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना गया है, वो हल्ला कर रहा है कि हमने बना लिया है। तो लो भैया भारत वाले वैज्ञानिक क्या चुपचाप बैठे हैं सर, DRDO ने एक भारत ड्रोन बना दिया, ये दुनिया का सबसे छोटा सैनिक ड्रोन है, इतना
इतना छोटा है ना कि S-400 जो मिसाइल है उसका रडार इसको पकड़ेगा ही नहीं। और ये जो है ना थर्मल इमेजिंग कर लेता है। मान लिया कि आपने एक ऐसा कपड़ा बना लिया है जिसमें आप नहीं दिखते हैं, तो ये क्या करता है, आदमी नहीं देखता है, टेम्परेचर देखता है। अब आदमी का टेम्परेचर 37 से 40 के बीच में रहेंगे, बुखार होगा तो थोड़ा बढ़ा घटा रहेगा, अब वो उसी को पकड़ लेता है। अब वहाँ दिखा देगा कि भैया ये कम्बलवा के पीछे कोई आदमी है, तो लोग तुम बहुत मेहनत से बनाए थे अपना बड़का छुपने का व्यवस्था, ये रात दिन तुमको खोज के देख लेगा, तुम्हारा रडार इसको पकड़ेगा नहीं, DRDO के वैज्ञानिक बैठे नहीं है सब। चाइना तो परेशान इस बात का, ससुर नेवी को यहाँ कौन पहुंचा दिया, तो नेवी को जो पहुंचाने का काम किए हैं हमारे CDS बिपिन रावत किए हैं। देखिए CDS के पद का गठन बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे यहाँ पहले भी CDS थे, लेकिन क्या था कि CDS का मतलब था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले क्या था, नेवी अलग आदमी के कंट्रोल में थी, एडमिरल के था, और जो एयरफोर्स थी वो एयर चीफ मार्शल के पास में था, और जनरल के हाथ में थल सेना थी, तीनों सेनाएं अलग अलग थी, समन्वय नहीं था। पहले जब नेहरू जी ने क्या किया, जानबूझ के इसे हटाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं एक ही को दिया, तो तीनों सेनाओं ने क्या किया, प्रधानमंत्री को हटा के खुद कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान में ये डिक्टेटरशिप तानाशाही हो जाती थी। तो नेहरू ने उस समय की तत्काल परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि जब इधर गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो देखा कि नहीं, उस समय की परिस्थिति वो ठीक थी, CDS के पद को खत्म किया गया था, लेकिन अब जरूरत है, तो उन्होंने बिपिन रावत को दे दिया। क्या कहा कि भैया थल सेना आप अपना कमांड कीजिएगा, वायुसेना अपना, नौसेना अपना, लेकिन इसमें तीनों में समन्वय बैठाने का काम जो है वो बिपिन रावत CDS का हो जाएगा। अब ये जबरदस्त समन्वय बैठाए कि नेवी की जहाजों को पहुंचा दिए गलवान में, और एयरफोर्स को पहुंचा दिए अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप तक। यहां भी अब एयरफोर्स अपना एक नया अड्डा बना रही है, हालांकि यहां पहले से ही तीनों सेनाएं थी, लेकिन उसको बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। अब यहां जो देखने को मिल रहा है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों घुस गई है। पहले क्या था, तीनों सेनाएं अलग थी, उसके ऊपर रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री को कौन सी पता होता है, इनको तो यो नहीं पता होगा कि AK-47 में 30 गोली आता है कि 20 आता है, लेकिन वो तो राजनीतिक पद है, लेकिन इनको तो हर एक चीज पता होगा। और ये तीनों सेनाओं में जिंदगी भर उसी में ड्यूटी की है, तो समन्वय अच्छा से बैठा देंगे। और समन्वय बैठाने का नतीजा, अंडमान में इन्होंने नया सेना का अड्डा खोल दिया वायुसेना के लिए। इन सब के अलावे DRDO ने एक और खतरनाक काम कर दिया, DRDO ने एंटी एयरफील्ड बम बना दिया। ये क्या है कि इसको जहाजों में फिट कर दिया जाता है, और हवाई जहाज जाती है, अब चाइना के पास S-400 मिसाइल है, मार देगा हमारा जहाज कोई, तो DRDO ने ऐसा बनाया कि S-400 के रेंज से पहले ही उतर जाइए, इस जहाज को छोड़, इस बम को छोड़ दिए। इस बम में हवाई जहाज की तरह डायना है, और ये रडार के पकड़ में नहीं आएगा, नीचे आ जाता है, और नीचे नीचे उड़ के एकदम सटीक हमला कर देता है जाके। हमारे जो बिपिन रावत साहब है, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, जो आर्मी के सामानों के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया थी उसे बहुत तेज कर दिया। हमारे जवानों के पास देखिए, पहले इस तरह का हेलमेट थे, इसको अगर सटीक हमला करिएगा तो सीधे हेड पे लग जाता था। करगिल में कितने फौजी शहीद हो गए ऐसे मामूली हेलमेट की वजह से, ये ज्यादा नहीं होते, अच्छे हेलमेट नहीं माने जाते हैं। अब जब राजनाथ सिंह गए थे तो उन्हें इस तरह का हेलमेट पे एक आदमी दिखा, और ये वाली बंदूक दिखी, काफ़ी चर्चा में थी, इसको भी समझेंगे। ये हेलमेट होता है बैलिस्टिक हेलमेट। देखिए बैलिस्टिक हेलमेट का शेप इस तरह से होता है, अंदर से जो होती है ये काफ़ी अंदर से सॉफ्ट होता है, जो पहनने में दिक्कत नहीं होता है, और एकदम साइज का बनाया जाता है इससे। और इसमें खासियत क्या है कि गोली मारेंगे ना तो गोली छटक के निकल जाएगा, लगेगा ही नहीं। और इसमें आप कम्युनिकेशन की चीज़ को आराम से जोड़ सकते हैं, यहाँ एक ट्रांजिस्टर जोड़ के आप कहाँ पर हैं, किस एरिया में, यहाँ आराम से बातें कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह का प्रयोग पहले केवल US आर्मी वगैरह करती थी, अब हमारी आर्मी को भी इस तरह का हेलमेट मिल गया। काश ये बिपिन रावत जो है इसको काफी पहले करते, लेकिन कोई बात नहीं, अब से भी अगर इतना कठोर कदम उठाया गया तो आगे से भी चाइना की हिम्मत नहीं होगी कि जो हमारे ऊपर आंख उठा के देख सके। ये बैलिस्टिक हेलमेट तो बेहद जरूरी था, ये हमारी सेना जो लड़ती थी वो बहादुरी से लड़ती थी, इनके पास बुलेट प्रूफ नहीं रहता था, सीना पे गोली खा लेते थे, ये बहादुरी की वजह से लड़ते थे। देखे तो थे सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट का नतीजा, जो थूर थार के आए सब गलवान में चाइना के, खुद उनको मजबूरी में कहना पड़ा ना, अमेरिका ने बोल दिया कि 100 जवान मारे गए हैं चाइना के, खुद उनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर मारा गया है। तो हमारे जवानों की बहादुरी के आगे बढ़िया बढ़िया हथियार फेल हो जाता है। जो स्नाइपर गन की बात हो रही थी, स्नाइपर गन क्या होते हैं, दूर तक हमला करने के लिए होते हैं। तो जो राजनाथ सिंह के पास स्नाइपर गन दिखाई गई, लेपुआ मैग्नम को दिखाया गया था, ये जो स्नाइपर गन होते हैं ये 1.5 किलोमीटर इनकी मारक क्षमता होती है। लेकिन अगर इसे आप नॉर्मल हाथ में
लेके मारेंगे तो 1 किलोमीटर मारेगा, और ये बाइपॉड पे लगा के मारेंगे तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, 1.5 किलोमीटर हो जाती है। इसकी एक और खासियत क्या है, इसके आगे आप साइलेंसर लगा सकते हैं। साइलेंसर लगाने से फायदा क्या होता है कि रात में अगर आप फायरिंग करते हैं ना तो आगे से ना आग चिंगारी निकलती है, जिस वजह से आपका लोकेशन ट्रैक हो जाता है कि कहां से मारे हैं। तो ये साइलेंसर लगा देंगे तो लोकेशन भी नहीं दिखेगा और आवाज भी नहीं करेगा, लेकिन घाटा एक हो जाता है कि थोड़ा सा रेंज कम हो जाता है, गन का रेंज कम हो जाएगा। अब ये जो होता है ये पीछे वाला एरिया होता है, इसे बट कहते हैं, ये ग्रिप इसे पकड़े हैं, ये ट्रिगर गार्ड है, यहाँ पे ट्रिगर है, ये मैगजीन है, मैगजीन में ओपन पिन है, ये अंदर का इसके चेंबर है, इसी में होगा पिस्टन, और ये इसका बैरल है, यहाँ पे आगे निकल जाएगा। और ये जो इसका स्कोप जो होता है ये काफी मदद करता है दूर तक के एरिया को देखने के लिए। जब टारगेट पे निशाना लगाया जाता है तभी स्कोप को खोला जाता है, वरना स्कोप खोल देंगे ना तो ये चमकते रहता है, दूर से अगर कोई सीध में आएगा ना तो आप पकड़ में आ सकते हैं। जो स्नाइपर गन होते हैं इसको हमेशा दो लोग चलाते हैं, एक स्नाइपर होता है जो निशाना लगाता है, एक बगल में इसका स्पॉटर होता है जो बताता है कि हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, डायरेक्शन क्या है, मतलब एकदम एक्यूरेट जानकारी देता है, तब ये शूट करते हैं। ये दो ठो मिलकर एक फौज पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें लद्दाख के एरिया, गलवान के एरिया में तैनात किया गया है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये जो स्नाइपर राइफल होते हैं, ये स्नाइपर्स का जो ड्रेस होता है वो कैमोफ्लाइज होता है। कैमोफ्लाइज का मतलब होता है हालात के हिसाब से अपने ड्रेस को ढाल लेना, जंगल में जाएंगे तो हरा हरा ओढ़ लेंगे, अब यहां से किसी को क्या दिख रहा है, दूर से जंगल है कि क्या है, ओढ़ के बैठ जाते हैं ये लोग। और ये दुश्मन की मान ली कोई फौज आ रही है सामने से वहां पे, तो फौज को ढूंढना पड़ेगा, ये जंगल में कहां ढूंढ पाएंगे, ये हरा हरा वर्दी में ऐसा, ये पहले ही से सटीक निशाना लगा के हमला कर देते हैं। इसके अलावा चाइना के लिए तो सरदर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, WHO ने बोल दिया कि नहीं भैया कोरोना चाइना की लापरवाही से शुरू हुआ था, तो एक तो ये हो गया। उसमें से जापान ने कह दिया कि चाइना में जो जापान की 57 कंपनी है वो वापस आ जाओ, तुम्हारे आने का खर्चा जो तुम्हारा लॉस होगा वो गवर्नमेंट हम उठाएंगे। अब चाइना कह रहा है कि भैया मत जाओ, जापान कह रहा है कि आओ। अब वो कंपनियां तो भागना ही चाह रही थी, और उसमें से जो नहीं भाग रही थी इसी वजह से कि उनका एक लॉस होगा, खर्चा होगा, लॉस देने का जिम्मा उठा लिया जापान सरकार ने, बहुत बेहतरीन काम कर दिया। पाकिस्तान जो चाइना का गर्लफ्रेंड है वो भी ससुरा टिकटॉक पर बैन लगा दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा किया यहाँ पे। और भारत ने उसके 59 ऐप पे तो बैन किया ही था, नया खबर के हिसाब से भारत अभी चाइना के 7 बड़े कंपनी जिसमें हुआवे और अलीबाबा, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जैसे 7 बड़ी बड़ी अरबों खरबों की कंपनियों को बैन लगाने जा रहा है। तो ये आर्थिक तंगी तो झेल ही रहा है, साथ ही कुदरत भी इस साल चाइना को बढ़िया से सबक सिखा रही है। उसके 433 नदियों में जो पानी है वो उफान पे खतरे के निशान को पार कर दिया है। वुहान शहर जहाँ से कोरोना निकला अब वो वुहान शहर डूबने के कगार पे है। मोदी जी ने जो इस बार डिप्लोमेसी किया वो बहुत ही खतरनाक डिप्लोमेसी, बहुत बेहतरीन डिप्लोमेसी किया। चाइना हर साल क्या करता था कि बॉर्डर पे थोड़ा सा इंक्रोच कर जाता था, बाद में भारत नॉर्मल रुख अपनाता था। इस बार चाइना भी कन्फ्यूजन है कि भारत इतना कड़ा एक्शन क्यों लिया है। हम टीवी पे एक डिबेट देख रहे थे, बड़ा हमको दुख हुआ कि लोग कह रहे थे कि मोदी जी लेह में क्यों गए थे, मतलब जो कश्मीर का एरिया है, लेह थोड़ा नीचे है, गलवान ऊपर है, तो इनका कहना था कि लेह में क्यों गए मोदी जी, गलवान में क्यों नहीं गए जहां सैनिक शहीद हुए। अजब हाल है भाई साहब, अगर गलवान में चले जाएंगे मोदी जी तो अपने देश के प्रधानमंत्री को देख के फौजियों का जो गुस्सा हो जाएगा बहुत भयानक चढ़ जाएगा, उनके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आ गए, और वो गोली चलाने लगेंगे चाइना वालों के ऊपर, उधर से चाइना वाले भी गोली चलाने लगेंगे, और एक भी गोली अगर गलती से मोदी जी को लग गया तो इसका नतीजा समझ रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या ही इंतजार करेगी, 130 करोड़ लोग ये इंतजार करेंगे कि आदेश आए ससुरा चढ़ जाएगा आदमी चाइना में, भयंकर बवाल हो जाएगा। किसी भी देश, आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो सेरेजेवो हत्याकांड के, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। तो भाई साहब यहां आप किसी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लेके चले जाएंगे वहां पे, ये गलत बात है। देखिए राजनीति करना, लेकिन हर विषय पर राजनीति करना ये ठीक नहीं है, हर सबके अंदर कुछ अच्छाइयां होती है। मोदी जी का सबसे बोल्ड स्टेप जो था 370 को खत्म किया, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। यार देखो कोई भी प्रधानमंत्री 100% सही नहीं हो सकता, हम कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं, जैसे अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब आप इतिहास उठाइए, 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था, लोगों को लगा था कि ले फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस
समय गल्फ वार खाड़ी युद्ध चल रहा था, उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये क्या है निजीकरण उदारीकरण। लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। हमारे आगे अमेरिका है, उसके आगे चाइना, हम तीसरे नंबर पर आ गए और उसके बाद उन्होंने मोदी जी को देश का कमान संभाला। तो हाँ ये नहीं, लेकिन हाँ इनके समय में घोटाले भी बहुत ज्यादा हुए थे, तो इनकी कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं, कुछ नीतियां अच्छी हो सकती हैं। तो हम आप सबको कहना चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री 100% नहीं हो सकता। मोदी जी की भी कुछ नीतियां गलत हो जाती हैं, जैसे बेरोजगारी वाला मैटर पे हो सकता है, इनके भी कुछ नीतियां गलत है घोटाला वाला पे। तो देखिए नीतियां गलत होती हैं, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, सीधे से जो मनमोहन सिंह को बोलेगा, मोदी जी को बोलेगा, अरे भाई आपको विरोध करना है तो बोलिए ना कि मनमोहन सिंह की ये नीति खराब थी, मोदी जी की ये नीति खराब थी। आप सीधे बोलते हैं मोदी जी खराब है, मनमोहन सिंह खराब है। भाई किसी का 100% विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही 100% समर्थन करना चाहिए। भाई हर आदमी कहीं सही और कहीं गलत हो जाता है। हमारे हिसाब से सबसे अच्छा क्या होता कि जिसकी भी सरकार रहती मिलजुल के करता। जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, अर्थव्यवस्था में उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश में, तो मनमोहन सिंह से डिस्कस कर लेते कि भाई साहब आप बताइए, आपका अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में आप बहुत ज्ञानी हैं, निर्मला सीतारमण से उतना अर्थशास्त्र नहीं समझ रहा है, कुछ आप हेल्प कीजिए, कुछ हम करें। तो ये मिलजुल के करना चाहिए, हमें पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग पॉलिसी की जगह सोच रहा पॉलिटिक्स करने लगते हैं। कितना बेहतरीन होता कि अगर मिलजुल के, हमारे पास पटना में क्लास में बैठाने का जगह नहीं रहता है, लड़कों को हम कह देते हैं यार तुम उस कोचिंग में चले जाओ, यहाँ पढ़ लो। अजीब लड़का कहता है कि सर आप टीचर हो के दूसरे टीचर के पास भेज रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है यार, हमको कोई कभी इस सबसे ऐतराज नहीं। तो वैसे हमारे देश में भी होता है यार, सब मिलजुल के करते, आखिर इनका भी मकसद सबका एक ही मकसद है, हर हिंदुस्तानी का एक मकसद है कि भारत माँ सबसे सुदृढ़ है, हमारे भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में ला रहा है। इस विषम परिस्थिति में भी बहुत बहादुरी से हमारे CDS प्रमुख, जो तीनों सेनाओं के अभी देख रहे हैं कमांड, CDS चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना, हमारे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इवन हमारे देश का एक एक नागरिक जो था वो चाइना की बैंड बजा दिया। और रक्षाबंधन में तो चाइना का जबरदस्त बैंड बजा, चाइना ने राखी में रक्षाबंधन में इस बार प्लान बनाया था कि भारतीय राखियों को पीट देना है पूरी तरह से, जून में ही वो पूरा रक्षाबंधन की राखी बना के रेडी रखा था, यहां मार कर लिया जून में वो गलवान में। अब भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि चाइनीज राखी आएंगी नहीं, अब चाइनीज व्यापारी मुड़ी पीट रहे हैं सब। रीजन क्या कि भारत के अलावे और किसी देश में इतनी राखियां खपेंगी ही नहीं, क्योंकि मुख्य रूप से तो हमारे यहां मनाया जाता है, बाहर में तो थोड़ा बहुत यूज होगा तो वो भी भारत भेज देगा। अब चाइना कह रहा है कि जो एक तो ये बिका नहीं, अगले साल मॉडल ओल्ड हो जाएगा और उस पे से हमारे गोदाम में फंसेगा, तो और अजुराव भारत से, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 है, इस बार बजा के मारेंगे लोग बढ़िया से। आई होप आप इस सबको समझते होंगे, आप सब हम पूरे देशवासी एक साथ खड़े रहेंगे अपनी सेना के साथ ताकि उनका मनोबल कम ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।